आज बॉबी देओल का जन्मदिन है। 27 जनवरी 1969 को पैदा हुए बॉबी आज 55 साल के हो गए हैं। तो चलिए बॉबी देओल की पहली फिल्म बरसात से जुड़ी एक जानने लायक कहानी आपको बताता हूँ। जिस वक्त बरसात की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त उनकी उम्र 22 साल थी। फिल्म को शेखर कपूर डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन 27 दिन की शूटिंग के बाद शेखर कपूर ने कह दिया कि मैं अब पहले वैंडेड क्वीन डायरेक्ट करूँगा, उसके बाद तुम्हारी फिल्म पूरी करूँगा। ये सुनकर बॉबी को बड़ा धक्का लगा। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि शेखर कपूर उनकी फिल्म को अधूरा छोड़कर कोई दूसरी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ये बात जब धर्मेंद्र जी को पता चली तो उन्हें भी शेखर पर बड़ा गुस्सा आया। धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनके बेटे की फिल्म में देरी हो, इसलिए उन्होंने शेखर कपूर से कह दिया कि तुम जाओ, मैं किसी और से ये फिल्म डायरेक्ट करा लूँगा। फाइनली राजकुमार संतोषी को बरसात फिल्म डायरेक्ट करने के लिए लाया गया, लेकिन राजकुमार संतोषी ने फिल्म से जुड़ते ही इसकी स्क्रिप्ट में कई सारे बदलाव कर दिए और लगभग 1 साल बाद बरसात की शूटिंग दोबारा शुरू हो पाई। लगातार हो रही देरी से बॉबी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिल्म पूरी होने में और 2 साल लग गए क्योंकि स्क्रिप्ट में और भी कई बदलाव संतोषी साहब ने किए थे। अपनी फ्रस्ट्रेशन से लड़ने के लिए बॉबी ने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे खूब रनिंग करते, साथ ही साथ ड्रम बजाने की प्रैक्टिस भी करते। बाइक राइडिंग भी उस वक्त बॉबी ने बहुत की थी। और फाइनली 19 सितंबर 1995 को बरसात रिलीज हुई। इस वक्त तक बॉबी की उम्र 26 साल की हो चुकी थी। फिल्म बढ़िया चली, लोगों ने धर्मेंद्र के दूसरे बेटे को भी काफ़ी पसंद किया। 8 करोड़ 25 लाख रुपये में बनी बरसात ने 34 करोड़ रुपये की बढ़िया कमाई की और बॉबी की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई। बरसात की शूटिंग कुछ विदेशी लोकेशंस पर भी हुई थी, जैसे लंदन, मनाली और इटली। फिल्म में एक दृश्य है जिसमें बॉबी देओल एक टाइगर से लड़ते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य इटली के मिलान शहर में शूट किया गया था। इस दृश्य की शूटिंग की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मिलान में एक आदमी का अपना पर्सनल जू था जिसमें वह फिल्मों के लिए साइबेरियन टाइगर्स को ट्रेन करता रहता था। जिस वक्त बॉबी को वो सीन शूट किया जा रहा था तो एहतियात के तौर पर उस टाइगर के नाखूनों को काट दिया गया था और बॉबी की गर्दन पर मांस का एक टुकड़ा बांधकर उस टाइगर को छोड़ा गया। वास्तव में टाइगर मांस के उस टुकड़े को पाने के लिए बॉबी की गर्दन पर झपटता है, लेकिन दृश्य निकाल कर आता है वो टाइगर बॉबी पर अटैक कर रहा है और बॉबी खुद को बचाने के लिए उस टाइगर को पीछे धकेल रहे हैं। तो साथियों, ये थी लॉर्ड बॉबी के जन्मदिन पर उनकी पहली फिल्म बरसात से जुड़ी एक कहानी जो मुझे तो बहुत रोचक लगती है। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। लाइक शेयर करना मत भूलिए। बॉबी देओल जी को निक्षय मौर्य की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएँ।